नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को किया काबू। 90 कैप्सूल, 295 नशीली गोलियां, 17,640 रुपयों की ड्रग मनी की बरामद। अंबाला से 20 किलोमीटर रोजाना दौड़कर एक नौजवान पहुंचा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। 8 सितंबर को शुरू किया था सफर। और अब हलचल विस्तार से। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर स्वपन शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने एक नशा तस्कर को पकड़कर उससे 90 कैप्सूल, 295 नशीली गोलियां और 17,640 रुपयों के भारतीय मुद्रा नोट ड्रग मनी बरामद किए हैं। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस पार्टी एक सूचना के आधार पर बबरीक चौक से जगजीवन राम चौक तक गश्त कर रही थी। उन्होंने बताया कि जब पुलिस पार्टी सतकर्ता कॉलोनी मंजीत नगर मोड़ पर पहुंची तो उन्होंने एक युवक को लाल रंग का बैग लेकर सड़क पर चलते हुए देखा। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस पार्टी को देखकर उस व्यक्ति ने संदेह के तौर पर बैग दूर फेंक कर भागने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पुलिस पार्टी ने युवक का पीछा कर उसे जाँच के लिए रोका। वहीं उन्होंने कहा कि युवक की पहचान देविंदर कुमार उर्फ रिशु निवासी बस्ती गुजा के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 5 में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जो असी नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई है वो तहत थाना 5 नंबर की पुलिस को एक वड्डी सफलता हासिल हुई है, जिसे उन्होंने एक दोषी को अरैसट करके उसके पास 295 जिहड़ियां नशीली गोलियां वो बरामद कीतियां ते 90 जिहड़े नशीले कैप्सूल हैं वो बरामद किए हैं। इस दे नाल नाल ही इन्होंने 17,640 रुपया जिहड़ा ड्रग मनी है वो इस तो रिकवर की है। दोषी का नाम है वो है जी देविंदर कुमार पुत्र प्यारे लाल, ये बस्ती गुजा का रहने वाला जी। तो शी सर पहले का मुकदमा दर्ज है सर? फिलहाल जो असी प्रिलिमिनरी चेक किया है ये पहला कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, ये पहला मुकदमा दर्ज किया असी FIR नंबर 106/24 5 नंबर थाने जी। कहते हैं कि शौक का कोई मूल्य नहीं होता, जिसके चलते अपने पिता सुखवंत सिंह जो कि हॉकी की हरियाणा स्टेट खिलाड़ी हैं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अमरप्रीत सिंह नामक नौजवान माला से रोजाना 20 किलोमीटर दौड़ने के बाद सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर में पहुंचा और सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुआ। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमरप्रीत सिंह ने बताया कि उसे ये शौक 2015 में पैदा हुआ था और पिता की मौत के बाद घर का गुजारा दादा की पेंशन पर चलता था जो कि बिजली बोर्ड से रिटायर हैं। उसने बताया कि उसने ये दौड़ सितंबर में अपने गांव से शुरू की थी, जिसमें वह रोजाना 20 किलोमीटर दौड़ लगाता था और अब सचखंड श्री दरबार साहिब में पहुंचकर उसने अपनी दौड़ खत्म की है। वह मत्था टेककर वाहेगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उसने बताया कि 20 किलोमीटर की दौड़ के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटों का समय लगता था। जब उससे पूछा गया कि उसने ये दौड़ क्यों लगाई तो उसने बताया कि वे अपने धर्म को प्रफुल्लित करना चाहता है और जनता को बताना चाहता है कि सिख कौम एक अद्वितीय कौम है। उसने बताया कि वे हरियाणा राज्य में 6 मेडल एथलेटिक्स में जीत चुका है लेकिन सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं की, जिस कारण वे अपना ये हुनर लोगों को की अदालत में खुद लेकर जा रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं जी अपना हरियाणा से आया हूँ, अम्बाले से। गांव मेरा मछुंडा है और नाम मेरा अमरप्रीत सिंह है, सन ऑफ सुखवंत सिंह। मेरा मैं अपना रनिंग करते हुए अम्बाले से 360 किलोमीटर दरबार साहब आया हूँ और रस्ते में जितने भी गुरुद्वारा साहब थे अपने उनके ऊपर भी विजिट करके आया हूँ और सीधा यहाँ से श्री दरबार साहब मत्था टेकना मेरा मकसद था इस सफ़र का। यहाँ से आकर मैं नतमस्तक होया। अच्छा, इतने नतमस्तक होने वास्ते तुसी पहुँचे कितनी तरीक नु तुरे सी उतों? मैं जी 9 तरीक नु तुरे था जी। कितने नंबर तुरे सी? हाँ जी,
ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਣ ਸਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਾ ਦੀ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿਆ। ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰੋਜ਼ ਜੀ ਆਵੇ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੋ, ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਰਾਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰੇ ਕਰੂੰ। ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਯਹਾਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚਮਕੌਰ ਕੀ ਗੜੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਵੀ ਗਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਸੀ ਹੈ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁੱਖਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇਮ ਕਰੇ ਕਰੂੰ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਥਲੀਟ ਹੂੰ, ਤੋ ਹਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੂੰ, ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜੋਗਾ ਕਰੂੰ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾਗਾ ਮਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾਗਾ, ਮਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋਣ ਜੋਣ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਰਾਗ ਕਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਹੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਰਨਿੰਗ ਕਾ ਜੋਣ ਸਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਿਆ, ਹਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜੋਗਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਜੀ ਮਨ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬਤਾਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਚੁਣਾਵੋ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆ ਪੋਰਟਲ ਸਾਡਾ ਖਿੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਰ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋ ਜੋੜਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਕੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਏ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੇ ਲਈ ਸੁਝਾਵ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਸੇ SGPC ਚੁਣਾਵੋ ਕੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੋਂ ਕੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਲੋਬਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਨਕਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਓਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤੋਂ ਕੇ ਮੂਲਿਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਲ ਖਾਤਾ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਰਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਔਰ ਇਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4-4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਸਭ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ SGPC ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4-4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰੇ 117 MLA, ਰਾਜ ਸਭਾ MPs, ਲੋਕ ਸਭਾ MPs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ SGPC ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਰਲੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਪਾਰਕ ਮੇਂ ਮਾਤਾ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਸੰਘ ਕੀ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕੀਆ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡੀ ਮੇਂ ਕਿਰਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਭੂਸ਼ਣ ਲੂਥਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ, ਭਾਰਤੀਪੁਰੀ, ਸੁਸਾਨੀਆਪੁਰੀ ਸਹਿਤ ਅਨਯ ਸਦੱਸਿਆਗਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਮਾਤਾ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਕਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਵੀ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਵਹੀਂ ਆਯੋਜਨ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਲਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਜ,
कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, समाज सेवक व उद्योगपति रिकी सहगल सहित अन्य गणमान्यों ने शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आयोजक टीम ने जानकारी दी कि माता की चौकी में गायक ललित मोहन सोनवाल एंड पार्टी कुल्लू चंबावाली और महंत अश्विनी शर्मा एंड पार्टी द्वारा मां भगवती का गुणगान किया जाएगा। भक्तों में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया जाएगा। वहीं आयोजन की तैयारियों में रजिंदर सहगल, अशोक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मुनीश पुरी, पुनीत पुरी और अन्य ने विशेष भूमिका निभाई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जलंधर कैंट में गुरु नानक देव जी महाराज जी का ज्योति जोत दिवस बड़ी ही श्रद्धा से मनाया गया। तो वही सचिव सतविंदर सिंह मिंटू के अनुसार सुबह श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग उपरांत 11:30 बजे चले दीवान में श्री अखंड पाठ साहिब जी की सेवा चरणजीत सिंह चड्ढा के परिवार की ओर से की गई। वहीं भाई मनजीत सिंह जी सेवक, भाई हरजीत सिंह हजूरी रागी, भाई कुलदीप सिंह हटग्रंथी ने कथा द्वारा उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर विशेष तौर पर गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट की सेवा संपूर्ण होने पर DSP बबनदीप सिंह ने इसका उद्घाटन किया। तो वहीं उन्होंने प्रबंधक कमेटी की ओर से किए जा रहे कार्यों की भरपूर प्रशंसा भी की। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब के प्रधान जोगिंदर सिंह टक्कर ने DSP बबनदीप सिंह, चरणजीत सिंह चड्ढा, नवनीत सिंह सोडर को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सिरोपा साहिब देकर सम्मानित किया। वहीं अंत में गुरु का लंगर भी अतुट वितरित किया गया। इस मौके पर जोगिंदर सिंह टक्कर, शविंदर सिंह वीरू, महेंद्र सिंह बाबा, जगमोहन सिंह जोगा, हरशरण सिंह चावला, अमरजीत सिंह, हरविंदर सिंह पप्पू, हरजीत सिंह पप्पू, जसविंदर सिंह आनंद, सतपाल सिंह बेदी, हरविंदर सिंह सोडी, विक्रम सिंह, गुरविंदर सिंह लांबा, दविंदर सिंह लांबा, जतेंद्र सिंह राजू, सुरेंद्र सिंह सूरी, जसप्रीत सिंह, रजेंद्र सिंह पालरा, जसप्रीत सिंह, अरविंदर सिंह, बलजिंदर पाल सिंह, कमलजीत सिंह, सतपाल सिंह, हरमीत सिंह भी उपस्थित रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। मैनू अज बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होया है कि साढ़े प्रधान टीटू जी ने मैनू इतने सोलर पैनल के उद्घाटन वास्ते बुलाया है। मैं बतौर ACP कैंट 3 दिन पहला ही चार्ज लिया है। अज तो 2 साल पहला भी मैं इतने बतौर ACP अपनी सेवावान निभा चुका हाँ। उस समय इस गुरद्वारा साहब की उसारी शुरू हुई सी, तो सेवा भावना देख के मन बहुत खुश होया। गुरद्वारा साहब के बहुत सारिया हॉल बन रहे हैं, जिहड़ा गुरुद्वारा बहुत सोहना बन चुका है, तो मैं इन्हों सब बधाई देना है। तो आशा करता है कि मैं अगर भी इतना सुभाग प्राप्त होगा। साहब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह के ज्योति जोत दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जलंधर छावनी विखे बड़ी श्रद्धा प्यार सत्कार के नाम मनाया गया, जिस विशेष तौर के उपर साढ़े सत्कारयोग ACP साहब ने गुरुद्वारा साहब विखे चल रहे सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। और सोलर की जो लाइट है, बिजली है, वह बड़े सोहने तरीके चल रही है। ये बटबुल्ला योगदान नवनीत सिंह उन्होंने अपना पाया, और प्रधान साहब ने सारी संगत नाल लैके सारिया ने अपना बटबुल्ला योगदान दे के अपना काम समझदा हो बड़ी सोहनी ड्यूटियां निभाइया, और जिसे करके सानू ये सारिया प्राप्तियां हुई। और बिल्डिंग के होर भी काम चल रहे हैं, उसके भी संगत अपना बहुत प्यार समर्थन दे रहे हैं। हाजिर हुई सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब सरकार की ओर से पंचायती चुनावों की घोषणा कर दी गई है, जिसे लेकर गाँव वासियों की ओर से पंचायती चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां सर्वसम्मति से आपसी भाईचारे को कायम करते हुए गांव की पंचायत का चुनाव कर दिया गया है। इसी के तहत जिला कपूरथला के अधीन नाते गांव नूरपुर जट्टा में भी गाँववासियों ने सर्वसम्मति से अपने पंचायत को चुन लिया है, जिसमें जसविंदर सिंह को सरपंच व संतोख सिंह फौजी, परमजीत कौर, बाबा गुरमीत सिंह, सुखदेव सिंह और सुरजीत सिंह गोरा को पंच नियुक्त किया गया है। इस मौके पर गाँववासियों ने नव नियुक्त पंचायत सदस्यों का मुंह मिठा करवाकर बधाई भी दी। तो वहीं नवनियुक्त सरपंच व पंचायत सदस्यों ने सभी गाँववासियों का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर महेंद्र सिंह, निर्मल सिंह, करमजीत सिंह पम्मा, जसविंदर सिंह बिट्टू, मनदीप सिंह पड्डा, जसविंदर नारवे, हरजीत सिंह पड्डा, जग्गा पड्डा, परम पड्डा, मनजिंदर सिंह, जरनैल सिंह, रणजीत सिंह फौजी, गुरजीत सिंह, मनजीत सिंह, साधु सिंह, मनोहर सिंह, जतेंद्र सिंह कोहली और चरणजीत सिंह भी उपस्थित रहे। जो कि अज साढ़े पिंड नूरपुर जट्टा में जिहड़ी सर्वसहमति हुई आ पंचायत की, कि बहुत ही खुशी की गल आ कि एक भाईचारा जिहड़ा कि कायम किया गया फिर इस पिंड दे विच, कि इलैक्शन नहीं होण दित्ती गई, तो बहुत ही माण महसूस आ पिंड नूरपुर जट्टा के उत्ते भी। तो असी चाहते हैं कि जिहड़ी कि इलैक्शन आ इस तरह ही सर्वसहमति नाल हमेशा होंदी रहे, तो सारा का आपसी प्यार ते भाईचारा बनया रहे। तो मैं हुण जिहड़े सारे नवे पंचायत मैंबर सरपंच बने आ उन्हां सारयां नूं बहुत बहुत मुबारक दिंदा वा। तो खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुत ही खुशियां भरिया दिन आ कि साढ़े सारे नगर की सहमति दे नाल पंचायत की जिहड़ी चोण हुई आ। जदों पिंडां दे विच इहो जिहियां चीज़ां होण लापण, चंगे काम होण लापण, तो पिंड जिहड़े फिर तरक्की करदे, इक भाईचारा सारयां दा बणिया रहिंदा। सरबसम्मति दे नाल कई चीज़ां जिहड़ियां उह सानूं फिर जिहड़ियां प्राप्त होंदियां पिंड दे विचों, कड़त्तन मुकदी है एक दूजे प्रति, कई बार जो इलैक्शन होंगी बहुत कुछ
उच्चा नीवा हो जाता वो सारिया चीज़ों पिछे छड़ते हुए अज जी साढ़े नगर की सहमति हुई आ सर्वसंमति दे नाल पंचायत की चोण हुई आ सो सारी ही पंचायत नूं सरपंच साहब नाल जिन्हें भी मैंबर पंचायत चुने गए साढ़े सरकार जो चाचा जी सरदार जसवीर सिंह जी नारवे उन्हें विशेष तौर पर पहुँच के अपनी वधिया भूमिका निभाई आ सो सारिआं नूं ही मुबारक दिंदे हुए सारिआं दा ही बहुत बहुत धन्यवाद करदे आ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिहड़ी कि पिंड नूरपुर जट्टा विच सरसहमति हुई है कि सरदार जसविंदर सिंह नूं जिहड़े कि पहलों भी पाँच साल पिंड की सेवा कर चुके आ उन्होंने अब फिर दोबारा सर्वसहमति दे नाल सरपंच बनाया गया वा। आओ आपां इन्हां दे दो विचार लैने आ। सरपंच साहब जिहड़ा कि अज तुहानूं सर्वसहमति नाल बनाया गया वा, तुसीं की इहदे बारे कहना चाहुंदे हो? मैं पिंड का बहुत बहुत धन्यवाद करदा पूरे नगर का जिन्होंने मेरे ते फिर दोबारा मैनू माण बख्शिया और मेरे ते भरोसा करके मैं दोबारा फिर एक बार मौका दिता सरपंच होने पर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। अज साडे पिंड नूं बहुत खुशी आ जिहड़ा कि सारिआं ने रल मिल के सर्वसंमति दे नाल सरपंच अते मैंबरां दी चोण करके एक बहुत वधिया मतलब माहौल साडे पिंड दा बणिआ वा। बहुत खुशी दी गल आ। इस तरह मैं तो चाहुंदा वी सारे पिंडां दे विच इदां ही होवे ते आपस विच प्रेम प्यार बणिआ रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल जालंधर की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के श्री राम हाल में चल रही श्री राम कथा के सातवें दिन की शुरुआत पूजन के साथ हुई। तो वहीं इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्मपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित श्री राम भक्तों को कहा कि राम कथा का आनंद तभी है जब वक्ता और श्रोता दोनों सुर लय ताल मिलकर कथा का रसवान करें, प्रेम प्रकट हो जाए तो परमात्मा खुद ही प्रकट हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि श्री राम कथा का महत्व हमेशा से है और आगे भी रहेगा। इस अवसर पर बलविंदर यादव, पवन सूरी, राजकुमार सूरी, साहिब सिंह व रमन शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किए। इस मौके पर प्रधान हरेकान झा, कैशियर भगवान दास, पूर्व प्रधान एवं पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी अजय मल्होत्रा, अशोक मेहरा, वेद प्रकाश, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप सिंह, अशोक शर्मा व मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
भागवत को पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि श्री कृष्ण भगवान का यदुकुल कितना ऐश्वर्य वाला, कितना वैभव वाला, कितना समृद्ध वाला राम का, राम का जैसे राम की लीला, राम जी में कितनी परिस्थिति आ रही है, लेकिन राम सब में असंग रहते हैं ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा असंग आत्मा का ज्ञान हो सकता है तब मनुष्य विकारों के वशवर्ती नहीं होता, व्यवहार करते हुए निर्विकार रहता है। गुरु जी ने वो ज्ञान नहीं दिया था, गुरु वसी ने राम को ज्ञान दे दिया था सकल विकार। श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज स्वर्गीय सोमनाथ शर्मा के निवास स्थान प्रभात नगर काशीगुल्ला जालंधर में उनके परिवार को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। पहले विधि विधान से गुरु पूजा और भजन कीर्तन किया गया। इस अवसर पर भारत भूषण शर्मा, शैली शर्मा, नरोत्तम शर्मा, निशि शर्मा, ऋतु शर्मा, मणि शर्मा, अजय मल्होत्रा, हरिकांत झा, अशोक मेहरा, रमन शर्मा सहित अन्य इलाकावासी भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन स्वदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
मान में नहीं आएगा, ऐसा भाव तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संगत से ही गुण प्रकट होते हैं और संगत से ही गुण आते हैं। छोटे बच्चों में संस्कार भर जाते हैं, जैसे घर के लोग पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूजा आरती करते हैं, बड़ों के और अंकण करने की शक्ति छोटे बच्चों के अंदर होती है। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। भाई पीछे बैठी हुई, अधर्म का नाश हो, बड़े भाव से श्रद्धा से आपने भजन किया, भजन जिस मन से किया जाता है वो मन एक ही है। मन की विशेषता है कि ये मन एक समय दो चिंतन एक साथ नहीं कर सकता, दो आदमी की बात एक साथ नहीं सुन सकता, दो रूप एक साथ नहीं देख सकता। उसके लिए एक ही रूप चाहिए, एक ही नाम चाहिए, एक ही धाम चाहिए, और जिस समय वो जिस में तादात हो जाता है उससे वो चित्त मन एक हो जाता है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्व मुखी मातृपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मातृपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहकर एंड पाटी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक हरविंदर कुकी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की इस चौकी में मंच संचालन बलदीप आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। त्रिपुर माली मैया जी का ओ सच्चे नर
ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਜੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਜੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਦਰਣੀ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ जबेरी गुजरावाला के मालिक रमन नेगी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जे रोड जलंधर में किया गया। इस दौरान पंडित गुलशन शर्मा द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय रमन नेगी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के
मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार हैनरी, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष अमरजीत सिंह अमरी व पारिवारिक सदस्यों में मेनका नेगी, पवन नेगी, ज्योति नेगी, अंकुर नेगी, अवनी नेगी, अनिल नेगी, रिमा नेगी, भरत नेगी, अश्विनी नेगी, मनी नेगी, आस्था नेगी, कृति नेगी सहित शहर के व्यापारिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय रमन नेगी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को किया काबू। 90 कैप्सूल, 295 नशीली गोलियां, 17,640 रुपयों की ड्रग मनी की बरामद। अंबाला से 20 किलोमीटर रोजाना दौड़कर एक नौजवान पहुंचा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। 8 सितंबर को शुरू किया था सफर। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।